हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमें यकीन है हमारे बताए एक्सरसाइज से आपको अपने बॉडी को शेप में लाने में मदद जरूर मिल रहा होगा। आज हम सीखेंगे कैसे चेयर की मदद से और क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी घर पर। तो आइए जानते हैं, हमारा पहला एक्सरसाइज है डीपन फ्लो विद चेयर। इसे करने के लिए सबसे पहले एक चेयर ले ले, फिर अपने हाथों उल्टी दिशा में कुर्सी पर रखें, साथ ही किनारे को मजबूती से पकड़ें। अपने पैरों को आगे की ओर फैलाएं। अब चेयर के सहारे अपने ट्राइसेप्स में जोर डालते हुए कोहनियों को मोड़कर अपने शरीर को नीचे की ओर ले जाएं, फिर अपने पूरी बॉडी का वेट हाथों के सहारे चेयर के ऊपर की ओर उठाएं। इस एक्सरसाइज से आपके ट्राइसेप्स के मसल ट्रेन होंगे और आपके बाजुओं में पावर जनरेट होगा। अगला एक्सरसाइज है सिट अप विद चेयर असिस्टेड। आइए जानते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपने हाथों को अपने सीने में रखकर एक कुर्सी के किनारे पर पैर से ग्रिप कर ले, फिर अपनी पीठ को सीधा रखते हुए एवं अपने पैर को थोड़ा मोड़कर, जैसे वीडियो में दिखाया गया है, धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें जब तक कि आपका ऊपरी शरीर 45 डिग्री के कोण पर न आ जाए। अपने कोर को शामिल करें और अपने ऊपरी शरीर को प्रारंभिक स्थिति में वापस लाने के लिए अपने पेट की मांसपेशियों का उपयोग करें। याद रखें, जिस चेयर में आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं वो या तो फिक्स रहे या उसमें कोई वेट रहे, क्योंकि चेयर का वेट बहुत ही हल्का होता है। ऐसे में सारा बॉडी वेट चेयर नहीं सहन कर सकता। अगला एक्सरसाइज है टफ रेज फ्रॉम डेफिसिट विद चेयर सपोर्टेड। किसी सीढ़ी या मंच के किनारे पर अपनी एरिया लटकाकर पंजे के सहारे खड़े हो जाएं और सहारे के लिए एक कुर्सी दोनों हाथ से पकड़ लें, फिर अपने पैरों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे अपनी एरियों को जितना हो सके ऊपर उठाएं। इस मूवमेंट में एड़ियों को ऊपरी स्थिति में एक पल के लिए रुकें, फिर अपनी एड़ियों को वापस नीचे करें जब तक कि आप अपनी पिंडलियों में खिंचाव महसूस न करें। इससे आपके काफ के मसल ट्रेन होंगे। और एक बात, यहाँ केवल एक मसल की ही एक्सरसाइज की बात नहीं की जा रही, बल्कि पूरे एक्सरसाइज में आपको सिर्फ चेयर से किए जाने वाले वर्कआउट के बारे में बताया जा रहा है। चौथा एक्सरसाइज है इन्वर्टेड रो विद बेंट नी बिटवीन चेयर्स। इस एक्सरसाइज में आपको दो कुर्सियां एक दूसरे के समानांतर रखना है, फिर उनके बीच आपके शरीर के फिट होने के लिए पर्याप्त जगह बना ले। कुर्सियों के बीच जमीन पर बैठें और अपने हाथों को कुर्सियों के किनारों पर रखें, उंगलियां आपके शरीर की ओर हों। अपने घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को सीधी रेखा में रखते हुए अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। अपने कोर को शामिल करें और अपनी छाती को कुर्सियों की ओर खींचें। अपने कंधे के ब्लेड को एक साथ दबाएं। अपने आप को वापस प्रारंभिक स्थिति में ले आएं और क्रिया को दोहराएं। यह एक्सरसाइज आपके चेस्ट, शोल्डर एवं बैक के मसल को स्ट्रेच करता है। याद रखिए, चेयर फिक्स होना चाहिए, नहीं तो आपका वजन चेयर नहीं सहन कर पाएगा। पांचवा एक्सरसाइज है डिप्स बिटवीन चेयर्स। आइए जानते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले दो मजबूत कुर्सियां एक दूसरे के समानांतर रखें, जिनकी सीटें बाहर की ओर हों। याद रहे, चेयर या तो फिक्स रहे या वजनदार रहे। फिर अपने हाथों को कुर्सियों की हेड रेस्ट की सीटों पर रखें, मजबूती से पकड़े। उसके बाद अपनी बाहों को फैलाकर अपने शरीर को ऊपर उठाएं, अपने पैरों को सीधा रखें, घुटना मोड़ें, फिर अपनी कोहनियों को मोड़कर अपने शरीर को नीचे करें, फिर अपने हाथों से धक्का दें और अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। यही क्रिया लगातार दोहराएं। इस एक्सरसाइज से आपके चेस्ट एवं ट्राइसेप्स के मसल ट्रेन होते हैं। यदि आपको ये एक्सरसाइज वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम और अधिक से अधिक एक्सरसाइज संबंधित जानकारी एवं तरीके आप सबसे शेयर कर सके।
ऐसी ही एक्सरसाइज संबंधित जानकारियों एवं नए नए वर्कआउट को जानने एवं सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।